नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक 325 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। राहुल गांधी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के कई सारी बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा के जो विजन है उसको भी और स्पष्ट करने की बात कही। तमाम सवालों के जवाब देते हुए राहुल गांधी ने जो यात्रा का उद्देश्य है उसके प्रति बार बार उन्होंने ये बात कही कि वो उसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि वो भारत जोड़ो यात्रा को किस दिशा में जाना है और उसी दिशा में भारत जोड़ो यात्रा जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने फिलहाल अब तक सफल बताया है। इसके अलावा उन्होंने ये संभावना भी जताई कि भारत जोड़ो यात्रा जिन भी राज्यों में जाएगी वहां पर वो सफल ही होगी, लोग उसके साथ जुड़ेंगे क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भारत को जोड़ने वाला है। भारत के जो भारतीय समाज के हिसाब से कुल जो चीज़ें हैं वो उसके लिए हितकारी है और इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जहां भी जाएगी वो सफल होगी। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके पीछे कुछ आइडिया छुपे हुए हैं। उन आइडियाज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहला आइडिया है कि भारत जो है वो नफरत को पसंद नहीं करता है। उसके बाद देश में जो महंगाई है वो चरम पर है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, यानी जो यात्रा का उद्देश्य है वो ऐसे नफरतों को मिटाना और इस नफरत को खत्म करके और समाज जो तमाम जाति वर्ग और अलग अलग मुद्दों पर बंटा हुआ है उसको एक साथ जोड़ना, ये इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके अलावा जो समस्याएं हैं आम आदमी से जुड़ी हुई, फिर चाहे वो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का जिक्र किया उन्होंने कि जो ये समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति लोगों को एक साथ करना कि कैसे इसके समाधान हो, ताकि इसका समाधान हो सके। और साथ ही साथ जो व्याप्त नफरत है वो जातिगत या वर्ग के आधार पर या सामाजिक विषमता के आधार पर उसको खत्म किया जा सके। राहुल गांधी ने सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देश के कई राज्यों में नहीं जा रही है। उन्होंने जिक्र किया कि वो यात्रा पंजाब बिहार में नहीं जा रही है, यात्रा बंगाल में नहीं जा रही है, यात्रा गुजरात में नहीं जा रही है, यात्रा उत्तर प्रदेश में नहीं जा रही है, लेकिन जो यात्रा का उद्देश्य है वो स्पष्ट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत की यात्रा एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये भारत जोड़ो यात्रा एक सिरे से दूसरे सिरे तक का है, इसलिए इसमें बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां वो नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार में 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने जो रूट बनाया है हम उस रूट के हिसाब से चल रहे हैं। उस रूट में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ जो इसमें शामिल नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने खासकर उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में हमें क्या करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बिल्कुल स्पष्ट है और वो ऐसा किया जाएगा। इतना ही मीडिया ने जब उनसे अध्यक्ष पद कर लेकर के बात किया तो राहुल गांधी ने अपने पुराने रुख पर वो कायम नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि हम पहले ही अपने बयान में हमने इसको स्पष्ट कर दिया था और मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे उनका सीधा संवाद है और उनसे संवाद करने के लिए उन्हें मीडिया की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट बात करते हैं, वो मीडिया के रूट से उनसे किसी भी तरीके का संवाद करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट जो भी बातचीत होती है वो कर लेते हैं, जो भी वो पूछते हैं उनको डायरेक्ट वो बता देते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने जब उनसे सवाल किया गया, केरल में यात्रा चल रही है और केरल में जो सरकार है वामपंथ जो पिनराई विजयन की सरकार के अगेंस्ट ना बोलने को लेकर के उन्होंने जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो केरल में वामपंथ की सरकार है वो शायद कांग्रेस नेतृत्व से बेहतर काम कर रही है और जो यात्रा का उद्देश्य है यात्रा के उद्देश्य के हिसाब से वो किसी भी तरीके का कोई हेट स्पीच नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब किसी भी सरकार के कामकाज पर वो जो प्रदेश की सरकारें हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि वो भारत में एक रूपता लाने की बात कर रहे हैं और भारत जो तमाम वर्ग अलग अलग मुद्दों पर बटा हुआ है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ, उसको एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष पद की बात पर उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जो भी होगा वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। स्वयं राहुल गांधी पहले इससे दूरी बना चुके हैं, उन्होंने इसके बारे में घोषणा की थी और वो अभी भी इस रुख पर कायम है। जब उनसे अध्यक्ष
पद पर चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए संदेश की बात कही गई, तो उन्होंने जो लोग भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए संदेश देने की जब बात हुई तो राहुल गांधी ने उन्हें संदेश देते हुए कहा कि आप एक ऐतिहासिक जगह लेने वाले हैं, यह केवल एक संगठन की जगह नहीं है बल्कि यह एक विचारधारा है। जो कांग्रेस अध्यक्ष बने उसके पास भारत की एक विचारधारा होनी चाहिए। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने इस प्रेस वार्ता में जो भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य से लेकर के और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने हैं उन तक सारी बातें कही और सारी ही बातों में राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट नजर आए। जो उद्देश्य था, जो नजरिया था, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आया। इन सारे जो भी तमाम सारे अभी तक मुद्दे चले हैं सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, उसमें किसी भी तरीके का उन्होंने किसी भी मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया अपने इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर चाहे वो उनकी टी शर्ट से जुड़ा मुद्दा हो, कंटेनर से जुड़ा मुद्दा हो, या जो तमाम सारी फोटोग्राफ्स जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे तमाम लोगों के द्वारा शेयर की जा रही हैं, जो नेगेटिविटी की बातें हो रही हैं, उसका उन्होंने किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया। साथ ही बल्कि ये अपने उन्होंने सवालों के जवाब में ये स्पष्ट भी कर दिया कि जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है वो उस पर बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल क्लियर है, उसको लेकर के वो चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें वो करना चाहते हैं। भारत, पूरे भारत को वो भारत के दृष्टिकोण से एक मंच पर लाना चाहते हैं, पूरे भारत को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये रहा कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी उसको पूरा फिलहाल सफल मान रहे हैं और आगे भी इस चीज की उम्मीद कर रहे हैं कि वो सफल रहेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा का जो रुख होता है, भारत जोड़ो यात्रा की जो स्थिति होती है, क्या वो जिस तरीके की सफलता, जिस तरीके का जनसमर्थन अभी उसे मिल रहा है, वो आगे भी क्या उसी तरीके से मिलता रहेगा, और राहुल गांधी की जिन उद्देश्यों को क्लियर होने की बात कर रहे हैं उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। धन्यवाद।